अपना नाम दस सर, अपना नाम की है सर? तो मेरा नाम भुपिंदर जीत सिंह है जी। तो ये जरा कैंप लगाया है लवली फाउंडेशन, साडा एक ट्रस्ट है। मेरी वाइफ की डैथ हुई थी 27 फरवरी 2021 को, तो मेरे बेटे संबीर कपूर ने उन्हां दी याद लवली फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया सीगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जिहड़ा कि ह्यूमैनिटी की सेवा करना। जिस तरह आपां हुण ब्लड कैंप लगाया, इस तों बाद आपां दरख्त लगाने हैं। बिल्कुल सिंह साहब, जिदां ब्लड कैंप की शुरुआत की है फाउंडेशन की, ब्लड कैंप तो ही शुरुआत क्यों की है? कुछ होर भी मानव की सेवा की आप गल करिए? नहीं, हमने हमने ही सानू अप्रूवल मिली। आप 3-4 प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। इदू पहले भी आप कपड़े डोनेट किए ने काफ़ी, कि जिन्हों लड़कियों को वस्त्र नहीं है उन्होंने, जिहड़ियां लड़के लड़कियां पढ़ना भी चाहते हैं तो उन्होंने कोल सोर्सिज नहीं है, आप उन्होंने सोर्सिज प्रोवाइड करिए तो उन्होंने उन्होंने मंजिल तक पहुँचा दीए। मेन जिहड़ा ये मौका पहला मिलिया तो आप कैपिटलाइज कर लिया, तो अदरवाइज़ आप जो बहुत बहुत कुछ सोच रखे, बहुत प्लैनिंग है साड़ी। इस बाद दरखत लगाने की प्लैनिंग है भी वो जिन्हें मेडिसिन मिली हो, तो बाद देखते हैं आप के जगह तो सर लग्या हुआ थान के बारे अच्छ कि लगे लैक कि लगे ये E196 है, इतने साडा ऑफिस है वो ही आप लगया इनू। तो किन्ने कु यूनिट हो जाएंगे कुछ अंदाजा? डॉक्टर की टीम कितों आई है? देखो जेड़ा जेड़ा रजिस्ट्रेशन कराई 120 बंद ने रजिस्ट्रेशन कराई है, उन्होंने हूँ फिट किन्ने निकलते हैं, बाहरों भी आ रहे हैं लोग, किन्ने होंगे शाम तक के देखते हैं। हाँ जी हाँ जी, पहला कैंप है। हाँ जी, आप कोशिश करा कि हर साल लगे करे। कई बार की होंगे जिस तरह ब्लड बैंक से जाते हैं खून की कई बार उपलब्धि घट होंगी है, तो ब्लड बैंक वाले देंगे नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप उस वे अपने ग्रुप पा देंगे, तो हम साढ़े को ब्लड ग्रुप भी सारे का है, आप बंद कह सकते हैं कि तुम जाके मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर सकते हैं, कोई कोई नहीं है। वैसे भी इन चीज़ों साड़ी पहल है। तो मेडिकल टीम कौन आई है सर ब्लड? ये सैक्टर 32 हॉस्पिटल तो आए हैं। हाँ जी, तो होर कोई स्नेहा देना चाहते हो सर आज के मौके पर? नहीं, मैं तो जनरल पब्लिक नूं अपील करदा कि इहोजे मौकियां ते मैक्सिमम अपना योगदान पा। ठीक है, थैंक यू जी। मेरा नाम राजेश सैनी है, तो इस टाइम मैं यही गल कर सकता भी जिन्हें लोग आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ब्लड कैंप्स हो गए या फिर जो लवली फाउंडेशन आप स्टार्ट की है, ये जिहड़ी जिहड़ी आप एफर्ट्स लाइक अगे करेंगे तो ये चाहते हैं भी लोग आके पार्टीसपेट कर, अपनी पूरी कोशिश करांगे भी सारे प्लेटफॉर्म्स से आप रेस करिए कि जोड़े भी क्वेश्चन है इतने। इस टाइम एक तो ब्लड ग्रुप वाला आप जो कैंप रन किया है, इस तो बाद आप डेटाबेस भी मेनटेन करा, जे सू पता लगता है किसी न किसी की लड़ भी हैगी है, फिर आप ऑर्गनाइजेशन लैवल पर भी उन्होंने सदा भी हाँ भी तुम भी किसी बंद हैगी है ब्लड की, ये ब्लड ग्रुप है सूँ पता होगा भी कितना कि आप रेस कर सकते इतने भी जाके भी पर्सनली भी जाके मतलब हेल्प कर सकते हैं। स्लोगन है खूनदान महादान, बिल्कुल है हले भी अवेयर नहीं है, कहते भी खूनदान अपने साथ बॉडी भी कोई कमी आ जाएगी या पता नहीं है खून जो आप किसी दे रहे आप अगर सही जगह यूटिलाइज होएगा कि नहीं होएगा। देखो ऑनेस्टली मैं एक और चीज़ कहना, मैं भी ब्लड मैं डोनेट किया 20 साल बाद, मैं भी ये चीज़ सीखी है, बट इस बार मैं भी अगे वध के किया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी हूँ 42 ईयर्स एज हो गई है मेरी, तो मैं भी लगता कि नहीं वीकनेस आ जाएगी, मैं कोई इदा तकड़ा भी नहीं है, बट ठीक है मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल लाइक फिट एंड फाइन है। मैसेज मैं तो ये देना कि तुम ब्लड डोनेट करोगे तो अच्छा, तो वो फायदे दो है, एक तो किसी की हेल्प होगी, दूजा थोड़ा भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी रीगेन होएगा। 24 घंटे पूर्ति हो जाती है जी, ब्लड की 24 घंटे पूर्ति हो जाती है अपना, यह जी कोई नहीं है जी लोगों के बीच हैगी है कि खून दान देने सेहत घट जाती है, कोई नहीं घटती है, ये थोड़ा खाना पीना ठीक है तो कोई नहीं है, तुम ये प्रॉपर यूज़ करो तो तुम ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हो, तुम्हें करनी चाहिए है, हर एक करनी चाहिए, एक खूनदान ही नहीं है जिते कि भी कोई भी लगता है कि आप खूनदान कर रहे हैं ह्यूमैनिटी कर रहे हो कि अगर भी ह्यूमैनिटी वास्ते दिता जाएगा। हाँ जी हाँ जी, वो देखो हूँ आप अपना काम कर दिता, अगले ने अपना काम करना है, आप देखते हैं हॉस्पिटल च सरकारी हॉस्पिटल तो यूज़ होंगे आ दूजे हॉस्पिटल तो मैं नहीं कहता प्राइवेट, क्योंकि उत्थे वो पहले ही 2-3 को लै लेंगे खून,
तो फिर यूज़ करते हैं जेडे गवर्नमेंट हॉस्पिटल उन्होंने यूज़ होंगे है उन्होंने च नहीं मंगते हैं खून नहीं एट लास्ट नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जैसे हम सोचते हैं ना कि ब्लड लॉस से कुछ हो जाएगा मैं ये बोलता हूँ कि ब्लड जो नया ब्लड बन रहा है ना वो आपको और यू नो और हेल्दी बनाता है सर लवली फाउंडेशन का एम की है कितने की देखना चाहते हैं लवली फाउंडेशन सी लवली फाउंडेशन नो इस टाइम पे सिंस वी हैव स्टार्टेड वी वांट टू अचीव अ लेवल जहाँ पे लवली फाउंडेशन एक नाम बन जाए मतलब उनको ये चीज़ पता हो कि अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ज़रूरत है वो लवली फाउंडेशन को रीच आउट करने की कोशिश करे कि अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा अगर हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है वो लवली फाउंडेशन के पास डायरेक्टली आना शुरू सिर्फ ब्लड के लिए नहीं किसी भी चीज़ के लिए किसी भी ज़रूरत के लिए पता हो किसी ज़रूरतमंद को कि मैंने लवली फाउंडेशन को अगर रीच किया तो मुझे मिल जाएगा टीम इतनी पावरफुल है क्योंकि क्या होता है जब ऐसे अगर डोनेट की बात होती है हेल्प की बात होती है टीम देख लोग बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है टीम आप देख ही रहे हैं बाकी सिक्योरिटी तो देखो हर जगह पे होता है कि कोई मिस यूटिलाइजेशन ना हो अदरवाइज जो भी हम तक आएगा हम करेंगे मेरा नाम कुलजीत सिंह है जी तो की कहना चाहोगे जेड़ा आज कैंप लगया देखो थोड़ा एक पहला क्वेश्चन आया सीगा कि तुसी ब्लड डोनेशन कैंप ही क्यों चुने सो अगर मैं गल करा वैसे नॉर्मली एनजीओस काफ़ी ने रक्तदान महादान जड़ा ये कोट बने ही इसलिए है क्योंकि रक्तदान तो उपर कोई नहीं है जी तुम नॉर्मली देखा होगा होर एन जी ओज आप कुछ होर डोनेट कर देंगे ठीक है वो नीडी की हैल्प है पर सानू फस्ट प्रायोरिटी यह लगी सी कि रक्तदान महादान करके असी पहले नंबर पर रक्तदान का ही असी कैंप लाइए सो बिल्कुल इतने अज मुख मेहमान के तौर पर साढ़े MLA साहब कुलवंत जी आए थे जी साढ़े इतने SHO साहब नरेंद्र सूद जी ने शिरकत की तो होर भी कई आम आदमी पार्टी दिया सीनियर आगू इतने आने की एक्सपैक्टेड है तो चल रहे बाकी लोगों को सुनेहा देना चाहोगे सर सर सुनेहा मैं देखो यही अपने फाउंडेशन तो ही सुनेहा जाता कि हेल्प करो नीडी की यह नहीं है कि आप रक्तदान है या कुछ भी है किसी भी तरह की किसी नीडी को कोई हेल्प है लवली फाउंडेशन हमेशा हेल्प करने लिए अगे है जी तो जस्टिफाई कि सारे कई लोग फायदा भी चाहते हैं देखो सर किस तरीके डेफिनेटली सर देखो हर चीज़ की वेरीफिकेशन फॉर एग्जाम्पल सानू कोई अगर मेडिकल कॉज वास्ते साडे तो हेल्प मंगी जाती है असी डेफिनेटली साडी टीम जाएगी हॉस्पिटल जाके प्रॉपर वेरीफाई करके विद मेडिकल रिसीट्स असी उन्होंने जो भी बनती उन्होंने हेल्प हैगी वो की जाऊगी सो इदा नहीं है कि एवें आप किसी को मिसयूज़ नहीं आप हो देवे ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है जी तो साडा मेन मुद्दा ही यही है कि आप नीडी की हेल्प करिए एवं कोई मिसयूज़ ना हो सो प्रॉपर वेरीफिकेशन होकर चीज़ को चैक करके ही असं उन्होंने जो भी बनती हेल्प है वो करा असी सर ऑलरेडी साड़ी एक NGO हैगी है जी मोहाली की सैक्टर 69 की ईको प्लांटेशन करके है जी उन्होंने असी ऑलरेडी राबता कर चुके हैं तो उन्होंने मेन यही रहा कि जिन्हें आप कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स लाती है जो उन्होंने राबता हो उन्होंने मेंटेनेंस का जिम्मा वो नाल अपने लेंदे ने सो दैट ये नहीं है कि आप एक बार प्लांट लाता तो उन्होंने मेंटेनेंस ना हो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है प्लांट्स भी असं जो मेडिकल यूज़ वास्ते लाने उन्होंने मेंटेनेंस जो हो ही अगर परपज काम आएंगे नहीं दे उन्होंने कोई यूजेज है नहीं तो वो बिल्कुल डेफिनेटली उस चीज़ में असी फस्ट प्रायोरिटी रखिया तो ऑलरेडी असी उन्होंने NGO नाल गल कर चुके हैं जी हुण तुसीं गल कर रहे ना मिस यूटिलाइजेशन की तो मैं रीसेंटली 3-4 बच्चियां ने अप्रोच किया कि आप पढ़ाई वालों सानू पैसे चाहिए हैं तो मैं क्या तुसीं एडमिशन लो उत्थों का मैं दिखाओ मैं डायरैक्ट पेमेंट कराँगा उन्हों स्कूल नू या कॉलेज नू तो वापस नहीं आए फिर नहीं वापस आए क्योंकि उन्होंने हाँ जस्टिफाई हो गया आप मतलब पेमेंट इस तरीके करते हैं कि वो डायरैक्ट उत्थे जाए जिथे जानी है अजे अजे आप अपने लैवल से कर रहे हैं अजे सरकार अप्रोच नहीं किया थैंक यू सर